शरफुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे महानगर पालिका के परिवहन समिति सदस्य का चुनाव आज संपन्न हुआ है। परिवहन समिति के सदस्य के 14 लोग थे, जिनमें से 2 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया था, मगर आज 12 लोगों को परिवहन समिति का सदस्य चुन लिया गया है, जिनमें शिवसेना से 6 सदस्य चुने गए हैं, जिनके नाम है विलास जोशी, अरुण पाटिल, प्रकाश कोटवानी, पूजा बाघ, मिलिंद मोरे व बालाजी कागडे। ये 6 लोग सदस्य परिवहन समिति के शिवसेना की तरफ से चुने गए हैं। वहीं एनसीपी से कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष शमीम खान, प्रकाश पाटिल, युवा अध्यक्ष मोहसिन शेख व नितिन पाटिल, ये 4 लोग एनसीपी के तरफ से परिवहन समिति के सदस्य बने हैं, जबकि बीजेपी से 2 सदस्य सुरेश कोलते व विकास पाटिल चुने गए हैं, वहीं जो 2 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया था। बहरहाल आज ठाणे महानगर पालिका पर सदस्य बनने के बाद एनसीपी के शमीम खान का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, कहीं ना कहीं सिर्फ राष्ट्रवादी का ही जलवा नजर आ रहा था। इस दौरान सड़कों पर ढोल ताशे बजाते हुए लोग एक दूसरे को मिठाइयां भी खिला रहे थे। मुमरा में भी शमीम खान के पहुंचने के बाद शमीम खान का जोरदार तरीके से स्वागत सत्कार किया गया। लोगों ने शमीम खान को फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। परिवहन सदस्य बनाए जाने के बाद शमीम खान ने कहा, जो आज मुझे पद मिला है, ये पद मुझे नहीं बल्कि संगठन को मिला है। वहीं मुमरा कौसा में अब शमीम खान ने बस डिपो बनाने की बात कही है। बस डिपो के लिए जमीन भी तय कर ली गई है, मगर वो जमीन कहां पर है, कहां बस डिपो बनेगा, ये जानकारी शमीम खान ने अभी नहीं दी है। साथ ही ये भी कहा है कि मुमरा से एसी बस सेवा शुरू की जाएगी और महिलाओं के लिए खास तौर पर बसों में विशेष सुविधाएं होंगी। क्या कहा है परिवहन समिति सदस्य बनने के बाद शमीम खान ने? आप कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष हैं और उसके बाद जो है आज एक जवाबदारी आपको और मिली है परिवहन सदस्य की, तो ऐसे में दोनों जवाबदारी आप कैसे निभाएंगे? मैं सबसे पहले अपने नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का, हाउसिंग मिनिस्टर का, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब का, आनंद परांजपे साहब का, हमारे बड़े भाई नजीब मुल्ला साहब का, मिलिंद पाटिल जी का, हमारी अपोजिशन लीडर का, हमारे प्रेसिडेंट आनंद परांजपे साहब का, और मेरे बड़े भाई सैयद अली अशरफ भाई साहब का, और साथ में मेरे तमाम सम्मानीय नगर सेवक नगर सेविकाएँ, और मेरे वो लोग मेरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे वो तमाम साथी जो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हमेशा बढ़ाने काम करते हैं, मेरी वो संगठन और मुमरा कौसा की अवाम, आप तमाम लोगों की दुआओं से और आपके सपोर्ट से आज जो मुझे हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने आज जो ये पोस्ट दिया है, मैं इस पोर्टफोलियो पोस्ट को लेकर के मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस तरीके से मुझे आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा का अध्यक्ष बनाया, हम लोग हमारी पूरी संगठन हमारे नगर सेवकों के साथ में मिलकर के हम लोगों ने हमेशा पार्टी को बढ़ाने का काम किया है। आज ये जो हमें पोर्टफोलियो मिला है परिवहन का, ये मैं एकदम साफ कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मुझे नहीं मिला है, ये संगठन को मिला। ये मैं अपनी पोस्ट को नहीं मानता, मैं मेरे उन तमाम पदाधिकारियों को मानता हूं, उन तमाम साथियों को मानता हूं, जो लोगों ने दिन रात मेहनत करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को, पार्टी को एक ताकत दिया है, और इंशाअल्लाह ताला परिवहन में आने के बाद जो परिवहन की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसे ध्यान दूँ। बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, मेरा एक सपना था जो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब पूरा होगा, कि मुमरा कौसा से एक बस डिपो बने। मैंने वो जगह भी देख लिया है जहाँ पे मुमरा कौसा में रिजर्व जगह है बस डिपो के लिए। इंशाअल्लाह ताला मैं हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से और हमारे तमाम नेताओं से बात करके मैं इंशाअल्लाह ताला वो प्रस्ताव डाल करके मुमरा कौसा से जब बस डिपो बनेगा तो कलवा, माफ़ कीजिएगा, दिवा और जो अतराफ़ मुमरा के जो इलाके हैं वहाँ से बस डिपो बनेगा तो ठाणे और मुंबई के अंदर वहाँ से बसें चाहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ट्रेन में जो क्राउड होता है उस क्राउड से बहुत सारी मौत होती है। उसे देखते हुए मेरा पहली कोशिश यह है कि वो इस तरीके का
वहाँ पे हम बस डिपो बनाए और ये मेरा पहला सपना होगा। और उसके साथ साथ में यहाँ से इतराब में जो शहर है वहाँ पे बस चलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। हंड्रेड परसेंट काम देंगे और कोशिश करेंगे कि एसी बस भी चलाई जाए। इसके लिए भी हम, हमारी सरकार है, हमारे मिनिस्टर हैं, हम कोशिश करके फंडिंग ला करके एसी बस चलाने की भी कोशिश करेंगे और महिलाओं के लिए खास सुविधा देंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।